ये दुनिया के इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बेसिक हिस्ट्री या बेसिक डिटेल के साथ एक मिनट या पाँच मिनट के कम समय में देखना चाहते तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अक्सर आप टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुनते होंगे, लेकिन असल में इस प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF कहते हैं। मेडिकल साइंस में टेस्ट ट्यूब बेबीज कह के कोई टर्म नहीं है। टेस्ट ट्यूब टर्म्स आया है वोमेन के फेलोपियन ट्यूब से, जहाँ से एम्ब्रियो या बच्चा डेवलप्ड होना शुरू होते हैं लड़के की यूटेरस के नजदीक। लोग अक्सर समझते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब बच्चा लेबोरेटरी में ही डेवलप होते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। टेस्ट ट्यूब बच्चा और नेचुरल बच्चा दोनों एक सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ एक के फर्टिलाइजेशन बाहर में लेबोरेटरी में होते हैं। सपोज आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बच्चा पैदा करना चाहते हो, तब इस प्रोसेस में डॉक्टर किसी लड़की के ओवरी से एक एग सेपरेट करते हैं, दूसरी तरफ किसी लड़के के स्पर्म को अटैच करके एक छोटा सा ग्लास में एप्रोप्रिएट कंडीशन में कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है एग फर्टिलाइजेशन होने के लिए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस एग को किसी लड़की को ऑपरेशन करके यूटेरस में इम्प्लांटेड कर देते है। इसके बाद नेचुरल प्रोसेस से ही माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है। यूजुअली ये प्रोसेस तभी अप्लाई किया जाता है जब माँ या बाप बच्चा पैदा करने में अक्षम है। इसलिए इस प्रोसेस में अगर पिता अक्षम है तब किसी दूसरे पुरुष के स्पर्म लिया जाता है, इसी तरह अगर माँ अक्षम है तब किसी दूसरी महिला से एग लिया जाता है। आपको यह भी बता दूं, फर्टिलाइज किया गया एम्ब्रियो आप अपना खुद का वाइफ के पेट में भी डेवलप कर सकते हो, या चाहे किसी दूसरे महिला के पेट में भी डेवलप कर सकते हो अगर आप और दूसरी किसी महिला सहमत हो। दुनिया में ज्यादातर देश और इंडिया में भी ये प्रोसेस लीगल माना जाता है। इंडिया में आज तक ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है IVF के बारे में, क्योंकि ये एक सिंपल और नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट मानते हैं IVF एक नॉन एथिकल प्रोसेस है, क्योंकि जब ओबाम्स और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है तब एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लड़की के यूटेरस में सिर्फ एक ही एम्ब्रियो डाला जाता है, यानी बाकी जो एम्ब्रियो या इनिशियल बच्चा लैब में डेवलप होते हैं उसको फेंक दिया जाता है या आप कह सकते हैं मार दिया जाता है। हालांकि दूसरे पक्ष के एक्सपर्ट कहते हैं ये अल्ट्रा इनिशियल स्टेज है किसी बच्चे के लिए, इसलिए इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में IVF के रिलेटेड। साल 1965 में डॉक्टर जॉन्स और डॉक्टर एडवर्ड के द्वारा दुनिया में सबसे पहले लैब में ह्यूमन एग को फर्टिलाइज किया गया इंग्लैंड में। 25 जुलाई 1978 में दुनिया में पहला सक्सेसफुल IVF या टेस्ट ट्यूब बच्चा जन्म हुआ, जिस बच्चा का नाम है लाउजी ब्राउन और इसका पेरेंट्स का नाम था लेजीली एंड पीटर ब्राउन। दुनिया में सेकेंड और इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म हुआ पहले बच्चे के करीब 3 महीने के बाद, यानी 3 अक्टूबर 1978 में। इस बच्चे का नाम है कनुप्रिया अग्रवाल और ये IVF बच्चा डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। दुनिया में करीब 8 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे सक्सेसफुली IVF के द्वारा जन्म हुआ है। इंडिया में करीब 400 रजिस्टर्ड IVF सेंटर मौजूद है। इंडिया में एक IVF बच्चे के लिए करीब 3 से 4 लाख का खर्चा आता है। अगर आप भी IVF बच्चा चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके और जानकारी पा सकते हो। ये नंबर रायपुर IVF सेंटर के है। उम्मीद है आपको टेस्ट ट्यूब बेबीज या IVF बेबीज के बारे में सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ जानना चाहते हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।